प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिस्टर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाली है। एएमसी की वर्कशीट नंबर 11 कोलैबोरेशन टॉपिक है, यानी कि सहयोग, इसका पार्ट वन इस वीडियो में है। वीडियो होती है आपके लिए 9 से 12 तक के सभी बच्चों के लिए कॉमन वर्कशीट ये रहती है। साथ में आप ये समझिए किसे आपको सैटरडे को सेंड करना होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सहयोग होता क्या है। सहयोग यानी कि कोलैबोरेशन, ये आपकी फैमिली में हो सकता है कोलैबोरेशन, आपके भाई बहनों के बीच में कोलैबोरेशन हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में, या आजकल ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो वहां पर भी आपके टीचर्स ने ग्रुप बनाए होंगे, तो वहां पर भी आपको कोलैबोरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पढ़ती है। इस वीडियो से आप बहुत कुछ आज नया सीखने वाले हैं। प्रोजेक्ट वर्क तो आप करेंगे ही, साथ में नया टॉपिक आज आप सीखने वाले हैं, तो पूरी वीडियो जरूर देखिए। चलिए झट से लाइक कर दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये तीन फ्रेंड्स हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। क्या इनको एक प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है, उस पर इनको काम करना है। तो देखो, पहला लड़का कहता है कि मुझे प्रोजेक्ट समझ नहीं आया, इस प्रोजेक्ट में करना क्या है। कोई भी काम होता है तो पहले फर्स्ट टाइम देखते तो आपको समझ नहीं आता कि इसको करना कैसे है। तो दूसरा दोस्त कहता है, मुझे समझ तो आ गया बट मेरे पास सामान नहीं है इसे बनाने के लिए। तो तीसरी दोस्त कहती है कि मेरे पास कुछ चीजें हैं तो मैं कुछ अरेंज भी कर लूंगी अपने दोस्तों से। ठीक है, आगे इनकी जो डिस्कस चली, बातचीत हुई, वो उससे क्या निष्कर्ष निकला। पहला दोस्त कहता है कि क्यों ना हम तीनों मिलकर के इस काम को कर लेते हैं, है ना, तीनों मिलकर। तो दूसरा दोस्त कहता है, नहीं यार, तीनों कर मिलके करेंगे तो देखो लड़ेंगे हम। हाँ, अक्सर आपके बीच में आजकल हो रहा होगा, ग्रुप बने होंगे तो वहाँ पर भी आप लड़ रहे होंगे। एक कहता है मैं बड़ा, दूसरी कहेगी मैं बड़ी, क्योंकि एक ही क्लास के आप लोग हैं तो बड़े छोटे की आपको फीलिंग आ रही होगी, समय भी बर्बाद होगा और लड़ भी पड़ेंगे। तो तीसरी जो दोस्त कहती है, वो कहती है यार कोशिश कर लेते हैं, ढेर सारे आइडियाज़ मिलेंगे, क्योंकि एक ग्रुप में हमारे 8 से 10 बच्चे हैं तो वो 10 आइडियाज़ हमें मिलेंगे। साथ में देखो मज़ा भी आएगा, इंजॉय भी होगा, नया वर्क है, टीम वर्क भी हम सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इन तीनों बच्चों को एक प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है, हो सकता है आपको भी दिया होगा या कुछ दिन में मिलने वाला है आपको भी प्रोजेक्ट वर्क, तो वो उसी पर एक दूसरे के सहयोग करने की बात करते हैं। जरा आप सोचिए कि आपके स्कूल में क्या है, स्कूल की टीम में कौन है। अकेला प्रिंसिपल स्कूल नहीं चलाता है, प्रिंसिपल हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं उसमें, आप जैसे बहुत से प्यारे प्यारे से बच्चे होते हैं, मैनेजर, एसएमसी मेंबर, और साथ में देखो कुछ सफाई कर्मचारी होते हैं, कुछ गार्ड्स होते हैं, कुछ मिड डे मील भी बांटते हैं। तो यहाँ पर देखो सब अपना अपना काम किस तरह से करते हैं, वो सहयोग की बात है, तभी विद्यालय सुचारू रूप से चल पाता है। तो आप अब पहला जो टॉपिक है वो क्या करना आपने, कि विद्यालय के उन चार लोगों के, विद्यालय की टीम में चार लोगों के बारे में लिखना नीचे बॉक्स में, जो स्कूल की असेंबली यानी कि प्रेयर को अच्छे से करवाते हैं। तो यहाँ पर देखो चार लोगों के नाम लिखने हैं, यहाँ पर चार लिख देंगे, उसके बाद उन चारों के यहाँ पर आप काम लिखोगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन से चार हो सकते हैं। तो इसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि देखो आजकल वर्कशीट चल रही है, डिपार्टमेंट वर्कशीट तैयार करता है, डिपार्टमेंट बनाता है वर्कशीट को पेजेस में, और मैं क्या करता हूँ आपके लिए वर्कशीट की वीडियो बना करके एक्सप्लेन करता हूँ। आप क्या करते हैं, वीडियो को पूरी देखते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। आपका दोस्त क्या करता है, उसे अपने वो भी देखता है और अपने रिश्तेदारों को भी उस वीडियो को भेजता है ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो देखो ये कोलैबोरेशन है, डिपार्टमेंट ने वर्कशीट बनाई, मैंने उसकी वीडियो बनाई, आपने देखी, अपने दोस्त को भेजी और दोस्त ने भी उसे आगे भेजी। तो यहाँ पर आप इस टॉपिक को समझ लीजिए कि प्रेयर कैसे असेंबली। तो सबसे पहले यहाँ पर चार लोगों का आप देख सकते हैं, चार लोगों का सबसे पहले देखो मॉनिटर या लीडर है ना, ये क्या करते हैं। दूसरा देखो प्रार्थना मंडली हो गई, प्रेयर ग्रुप हो गया, तीसरा देखो क्लास है, सब्जेक्ट टीचर, और चौथा स्पोर्ट्स टीचर। अब इनका रोल क्या है, देखो मॉनिटर क्या करते हैं, अपनी क्लास या सेक्शन के सभी बच्चों को ग्राउंड में लेके आते हैं, पहला काम इन्हीं का हो जाता है। दूसरा देखो जो प्रेयर मंडली है वो स्टेज के सबसे आगे खड़ी होती है और प्रार्थना करवाना, यानी कि पहली लाइन वो गाएंगे और उनके साथ बाकी दूसरे बच्चे भी दोहराते हैं। सब्जेक्ट या क्लास टीचर क्या करते हैं, उससे पहले वो बच्चों को लाइन से खड़ा करते हैं, छोटे आगे लगेंगे बड़े पीछे लगेंगे इसका ध्यान रखते हैं, वहां पर लड़ाई झगड़े ना हो। साथ में स्पोर्ट्स टीचर क्या करते हैं, सबसे अहम रोल इनका होता है, अनुशासन बनाए रखते हैं, प्रार्थना करवाने में सारी व्यवस्था ये करते हैं। तो चार लोगों का इस तरह से ये आपका प्रेयर का कोलैबोरेशन, अकेला कोई भी नहीं कर सकता प्रेयर को, तो इस आपस में मिलजुल करके करते हैं। तो समझ आ गया होगा यहाँ पर आपने क्या लिखना है। आगे बढ़ते हैं और जरा सोचो कि अकेले काम करने और मिलकर काम करने में क्या अंतर है।
अगर आप किसी काम को अकेले करेंगे और किसी काम को मिलकर करेंगे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। तो चलिए इसका आंसर आपको ले चलता हूँ। तो देखो कुछ पॉजिटिविटी भी है, अकेले काम करने में क्या होती है, लड़ाई नहीं होती है, झगड़े नहीं होते किसके साथ करना क्योंकि अकेला है, साथ में आत्मविश्वास भी बढ़ता है क्योंकि अकेला काम करना मुझे ही करना पूरा करना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, लेकिन सहयोग नहीं मिल पाता। लेकिन हम मिलजुल कर जब काम करते तो कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है मिल करके, है ना। साथ में देखो साथ रहने से मुश्किलें भी आसान हो जाती है, प्रॉब्लम आती है एक दूसरे की हेल्प हो जाती है, अपनों का साथ काम करने में हमारी हिम्मत भी बढ़ाता है, मदद भी करता है, साथ में मिलकर काम करने से हमारा मार्गदर्शन भी होता है। कई बार एक काम नहीं कर पाता एक बच्चा तो दूसरा बता देता यार ऐसे कर लो, तीसरा बता देता, आजकल ग्रुप में यही तो चल रहा होगा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कई बार आपका जो ग्रुप मेंबर है वो आपको बता देगा, ठीक है। साथ में देखो गलती होने पर एक दूसरे लोग जो है सुधारने में मदद भी करते हैं। तो ये आपका कोलोबेशन का पहला पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आइए बढ़ते इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, आओ इसे और अच्छे से समझते हैं। परिवार के साथ मिलकर रात का खाना खा लिया आपने, उसके बाद आप प्लान बनाएंगे कि हमें कल का खाना क्या बनाना है। एक प्लानिंग हो सकता है मेहमान आ रहे होंगे आपके घर में, मेहमान आने के लिए आप बहुत तरह के खाना भी बनाते हैं, बहुत टाइप का बनाते हैं मेहमानों के लिए, अपने घर में तो चल जाता लेकिन मेहमानों के लिए खाने में क्या क्या बनेगा, क्या क्या बनाना पड़ेगा, कौन क्या काम करेगा, ये कैसे तय करेंगे आप। तो चलिए, तो सबसे पहले देखो क्या क्या बना, या आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग, अपने रिलेटिव रिश्तेदार जो आने वाले उनके अकॉर्डिंग आप अलग अलग लिख सकते हैं, कितने लोग आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। देखो राजमा चावल बना रहे हो आप, कड़ी पकोड़े बना रहे हो, छोले पूरी बना रहे हो, चावल बना रहे हो, रोटी सब्जी मटर पनीर सलाद, आप क्या कुछ लिख सकते हैं इसमें, कुछ एडिट कर सकते हैं, कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में देखो कौन क्या काम करेगा, देखो जो जिस काम में एक्सपर्ट था उसे वही काम करने को दिया, यानी कि जो जिस काम है, जो आपके घर का मेंबर है जिस काम में एक्सपर्ट है चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसे उसी टाइप का काम दे दिया जाएगा, क्योंकि सभी छोटे बड़े मिलकर के काम कर रहे हैं। तो बच्चों को आसान काम जैसे टमाटर काटना दे देंगे, प्याज काटना दे देंगे, सलाद काटोगे, आटा छानना, चावल धोना, लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह बनाना छीलना, ये सारा काम जो है छोटे बच्चे कर लेते हैं। तो बड़ों का काम जैसे क्या, वो आटा गूंथ लेते हैं, रोटी पूरी बना लेते हैं क्योंकि तेल का काम होता है ना, वहाँ पर बच्चों का थोड़ा सा डर रहता है, राजमा छोले बना लेंगे क्योंकि वहाँ पर उनको देखना है नमक मिर्ची, गैस चूल्हे का काम जो है वो सारे बड़े लोग कर लेते हैं। अब देखो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं मिलजुल कर काम करने में, तो यहाँ भी आपको जरूर आई होगी इस निर्णय तक पहुँचने के लिए किस तरह के मतभेद, यानी कि आप में लड़ाइयाँ हुई होगी उन्हें कैसे सुलझाया, आपस में डिफरेंसेस आए होंगे एक दूसरे का, मतलब बड़ा छोटा, आजकल आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो बड़े छोटे की फीलिंग भी आ रही होगी, तो चलिए इसमें आप क्या लिखोगे। तो देखो यहाँ पर छोटे भाई बहनों में काम करने के लिए लड़ाई हो गई, हो ही जाती है आपस में, आपकी फैमिली में भी कोई कहेगा कि मुझे आसान काम करना है, वो आसान काम करना चाहेगा, तो छोटा कोई छोटा बच्चा है वो कहेगा नहीं मुझे बड़ा काम करना, बड़े काम की जिद पकड़ लेगा, कोई बड़ा है वो आसान काम के लिए छोटा काम, तो छोटे भाई बहनों में एक मतलब आसान काम को करने के लिए लड़ेगा, तो कोई कहेगा नहीं मैं छोटा नहीं, मैं तो बड़ा हो गया हूँ मुझे बड़ा काम करना है, तो फिर क्या करेंगी मम्मी पापा समझाएंगे कि तुम ये वाला काम कर लो अच्छे से कर सकते हो, तुम ये वाला काम कर लो, तुम्हें ये वाला काम करना चाहिए, तुम इस काम में एक्सपर्ट हो, तो मम्मी पापा आपस में यहाँ पर सेटल करेंगे मामले को कि कौन कैसा, अगर बड़ा जो है कोई बड़ा घर का बच्चा वो छोटा काम ले रहा है तो उसे समझाएंगे कि बेटा तुम ये वाला काम कर सकते हो, और अगर छोटा बच्चा वो बड़े काम को ले रहा है तो वहाँ पर उसे समझाएंगे कि बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम थोड़ा और बड़े हो जाओगे, अच्छा ये वाला काम तुम कर लो, है ना। तो वगैरह वगैरह आपके घर में भी इस तरह से जरूर होता होगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ये लास्ट वाला पार्ट आपका रहेगा कि खाना अच्छा और समय पर बन जाए, इसके लिए परिवार के सदस्य ने क्या सोचा और क्या किया। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसी वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलिए इस टॉपिक पर हम आगे बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपने काम बांट लिए, काम बांटने के बाद सभी को अपने अपने कामों में लगा देंगे आप, क्योंकि जल्दी आपको करना है, एकदम से नहीं हो पाएगा, कोई प्याज छीनने में लग गया, कोई टमाटर काटने में लग गया, अच्छा और स्वादिष्ट खाना कैसे बने इसके लिए देखो यूट्यूब आजकल बहुत अच्छा, वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, हमारा चैनल आपको पढ़ाई के लिए मिल जाएगा, खाने पीने का, नाचने गाने का सब कुछ लेकर के अच्छी विधि आप सीख लेंगे यूट्यूब से,
एक तरफ खाना बनता गया, दूसरी तरफ हम सारे छोटे भाई बहन क्या जो जूठे बर्तन होते हैं, मतलब कि जो टमाटर काटने में, प्याज काटने में, लहसुन छीनने में वगैरह वगैरह, वैसे बहुत सारे जो जूठे बर्तन होते हैं उनको साफ करने लगे, उन्हें जगह पर रखने का काम करने लगे जो जहाँ पे होता है ना। तो इस तरह से जो है तरह तरह का खाना बनता गया और दूसरी तरफ घर का जो छोटा मोटा सामान था वो भी सेट करते गए। तो इससे क्या होगा, काम जल्दी होता रहेगा और साथ में आपस में एक दूसरे की हेल्प भी होती रहेगी। तो प्यारे बच्चों, आजकल आपके ग्रुप भी, अगर मेरी क्लास में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आजकल आपके भी ग्रुप बना रखे हैं। यहाँ पर देखो, हम सब आपस में किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं, टीचर, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल और बहुत सारे लोगों से जुड़े होते हैं। यह जुड़ाव एक संबंध होता है आपसी, हमारा प्रेम संबंध हो सकता है। किस तरह से रिलेशन एक दूसरे का प्रेम पर निर्भर करता है, इसके लिए एक दूसरे को सुनना भी पड़ता है। कई बार आप भी मुझसे कुछ कहते हैं तो मैं भी उसे सुनता हूँ, कई बार आप मुझे सुनते हैं तो एक दूसरे को, कई बार आप आपस में फ्रेंड सर्कल में सुनते हैं, विभिन्न मतों पर गौर करते हुए उन्हें सुलझाया भी जाता है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं उन्हें सुलझाना भी होता है। तो इस तरह से हम सब एक हैं, मिलकर के काम करते हैं तो मिलकर काम करने में बहुत मजा आता है। ये वीडियो देखने में आपको कितना मजा आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही।